Engineer Vikas Kumar, Computer Education by Vikas Kumar. Computer Education में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर विकास कुमार। आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग में। एज से रिलेटेड आप क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं इस वीडियो के अंदर, और अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा इस वीडियो में। तो इससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो अपन स्टार्ट करते हैं एज रिलेटेड क्वेश्चंस। इस टाइप के क्वेश्चंस एसएससी, बैंक, रेलवे, राजस्थान पुलिस, पटवार, डिफरेंट डिफरेंट कंपटीशन एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और पूछे गए क्वेश्चंस हैं इस टाइप के। तो इस कंसेप्ट के बेस के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं, और इनकी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, इनके मेथड्स कंसेप्ट अलग अलग प्रकार से अपन यूज करते हैं क्वेश्चंस के अंदर। तो अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चंस के माध्यम से मैं कंसेप्ट समझाऊंगा यहाँ पे, और ट्रिक्स का भी यूज करूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मुकेश के पिता की आयु इस समय उसकी आयु की 4 गुनी है, 8 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तदनुसार इसी समय मुकेश की आयु क्या है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मुकेश की आयु पूछा गया है, और इसमें क्या दे रखा है, मुकेश और पिता की आयु का जो अनुपात का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, वो आपको दे रखा है, और 8 साल बाद में उनका आयु का अनुपात अलग है। देन उसके बाद में उसने पूछा है मुकेश की आयु क्या है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो किस तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको मैं एक जनरल कंसेप्ट बता रहा हूँ अभी फिलहाल। तो यहाँ पे मैंने लिखा मुकेश, ये मुकेश है, और यहाँ पे इसका पिता की आयु लिखूंगा मैं यहाँ पे। तो आपको पहले मैं कंसेप्ट एक्स मान के जो करते हैं वो बताऊंगा, उसके बाद में अलग मेथड से बताऊंगा आपको मैं क्वेश्चन। तो एक तो मुकेश है और इसके पिता है, उसकी आयु इस समय उसकी आयु की क्या है, 4 गुनी है। तो पिता क्या है, उससे क्या है, 4 गुना है मुकेश से, मुकेश ये, तो ये तो इनके बीच में अनुपात है, ये तो इसका बीच में अनुपात है। तो मुकेश तो एक्स वर्ष का है और उसके पिता कितने, 4x का है। तो ये बोला गया है कि इस समय उसकी आयु की 4 गुना है, तो मुकेश की आयु की 4 गुना है। इसी प्रकार से उसकी 8 वर्ष बाद में उसके पिता की आयु उसकी आयु से 3 गुना हो जाएगी, 8 वर्ष बाद में। तो एक बेसिक के आपको जो कंसेप्ट है वो बता रहा हूँ, 8 वर्ष बाद में क्या हो जाता है, जो इसकी आयु है, तो दोनों में आप एट एट ऐड करोगे, 8 वर्ष बाद में बोला गया है, तो दोनों में 8 साल ऐड करोगे, क्योंकि ये तो जो रेशियो है वर्तमान में इस प्रकार से है, और 8 साल बाद में ये भी 8 साल बढ़ेगा, और ये भी 8 साल उसकी एज इंक्रीज होगी, तो दोनों में 8 8 अपन ऐड कर देंगे, 4x+8 ऐड कर देंगे 8 साल बाद में, उसका ये हो जाएगा इसका रेशियो। देन उसके बाद में उसने पूछा कि उसकी आयु की 3 गुनी हो जाएगी, आयु की 3 गुनी हो जाएगी, जो जिसकी पिता की आयु है और ये पुत्र यानी मुकेश की आयु है वो उसकी क्या हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। अगर ये रेशियो की बात की जाए, अगर इसको इक्वल में लिखा जाए, तो इस समीकरण को किस प्रकार से अगर इक्वल में लिखा जाएगा तो क्या करेंगे अपन, तो अगर इक्वल करने के लिए आप क्या करोगे, जो मल्टीप्लाई है इधर, इसका मल्टीप्लाई आप 3 में इसको करोगे, तो ये इक्वेशंस बनेगी यहाँ पे, 3 cos x + 8 और इक्वल 4x + 8, इस प्रकार से ये इक्वेशन बनेगी। इस इक्वेशंस को अपने को क्या करना होता है, सोल्व करना होता है, देन डेफिनेटली अपन x की वैल्यूज अपन फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 3x + 8 से 3 को मल्टीप्लाई किया गया, तो 24 = 4x + 8। अब ये देखना यहाँ पे 3x है और यहाँ पे देखना 4x है, तो 3x में से 4x जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे रिमेनिंग x बचेगा, ये 24 है, ये 8 है, तो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 16। तो ये अपन x की वैल्यूज अपन फाइंड किए, जहाँ x लिखा हुआ x की वैल्यूज अपन ने फाइंड किए, इस प्रकार से x की वैल्यूज अपन फाइंड कर सकते हैं। इस x की वैल्यूज को अपन इधर रखेंगे इसमें, तो x ये कितने का हो जाएगा, 16 साल का हो जाएगा मुकेश, और इसका पिता कितने का हो जाएगा, 64 ईयर का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, 4 को 16 से गुना करोगे, जैसे 4x है, 4 को 16 से गुना करोगे तो 64 हो जाएगा, यानी 4 को मल्टीप्लाई करोगे 16 से, तो 64 इसके पिता की आयु हो जाएगी और मुकेश की आयु हो जाएगी 16। ये तो एक बेसिक कंसेप्ट है, हर स्टूडेंट को ये कंसेप्ट पता है, मेरे हिसाब से हर स्टूडेंट को पता है जो कंपटीशन के एग्जाम देते हैं इस प्रकार के, एक जो कंसेप्ट है वो भी कुछ लोगों को पता है, कुछ को नहीं पता है, वो उसी को मैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन है,
इस फर्स्ट क्वेश्चंस को मैं अलग डिफरेंट तरीके से आपको करके बता रहा हूँ। दूसरा तरीका क्या होता है, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है आपको एग्जाम में, इस तरीके से आपको सॉल्व नहीं करना है। एग्जाम का जो तरीका होता है वो आपका अलग तरीका होता है, तो उसको किस प्रकार से आप सॉल्व करोगे तो आपको मैं जनरली बता देता हूँ उस जो तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो इसमें पूछा क्वेश्चन से आपने पढ़ा, देन उसके बाद में आपने देखा कि ये है एक रेशियो फोर, यानी मुकेश से वो चार गुना है और आठ वर्ष बाद में बोला है उसने, तो उसका रेशियो कितना है, 1:3 है, ठीक है। पर इसने ये कहा कि आठ वर्ष बाद में, यानी आठ वर्ष बाद में बोला है उन्होंने, तो ये आठ वर्ष बाद यानी वर्तमान एज तो ये और आठ ईयर बाद में इस प्रकार की रेशियो है उनकी एज के अंदर, तो इनको एज की रेशियो को क्या करना होता है, अपने को इक्वल करना होता है यानी बराबर करना होता है। इधर यहाँ पे अपन बराबर करेंगे, तो इधर देखना एक बार, एक में से एक जाएगा तो जीरो का डिफरेंस है और इधर जाएगा एक का डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस जीरो आता है तो उस टाइप से अपन इस प्रकार से अपन नहीं करते हैं, इस प्रकार से अपन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। देन फिर इधर डिफरेंस चेक करेंगे, 1 और 3 में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, और 1 और 4 में कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। अपन इस प्रकार से डिफरेंस जो रेशियो होता है, रेशियो के अंदर अपन डिफरेंस क्रिएट करते हैं, जितना रेशियो के अंदर डिफरेंस है उसके अकॉर्डिंग अपन उसको इक्वलाइजेशन करते हैं यानी उनको बराबर करते हैं। तो इस ये इनका डिफरेंस 3 का है, 1 और 4 में डिफरेंस 3 का है, 1 और 3 में डिफरेंस 2 का है, तो इस 2 को तो मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा और जो 3 का डिफरेंस है ये मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, तो अपन करते हैं मल्टीप्लाई, इस 2 को इससे डिफरेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 रेशियो और यहाँ पे 4 का ऐड हो जाएगा और ये 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और रेशियो कितना हो जाएगा, 9। अब देख रहे हैं ये डिफरेंस 1 है, ये डिफरेंस 1 है, इधर डिफरेंस 6 है, इधर डिफरेंस देखना 6 है, इधर डिफरेंस देखना है 6 है, तो ये मतलब रेशियो का इक्वलाइजेशन हो गया। इस प्रकार से रेशियो को अपन इक्वल करके बराबर करके अपन वैल्यूज निकाल सकते हैं। आपको समझाने के लिए मैंने ये प्रोसेस बताया है, इस प्रकार से अपन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब ये देखना है ये क्या हुआ, ये रेशियो गए, ये तो प्रेजेंट एज का रेशियो हो गया और ये वर्तमान जो बाद की एज का हो गया, ठीक है। तो ये तो प्रेजेंट एज का रेशियो है, अब ये देखना कि एक रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, मतलब उन्होंने कहा कि ये 8 साल के बाद में, ये क्या है 8 साल के बाद में हुआ रेशियो, 8 साल के बाद में जो अनुपात है, तो ये एक रेशियो का मतलब क्या होता है, इसका डिफरेंस 1 है, इसका डिफरेंस 1 है, तो 1 रेशियो का वैल्यू कितनी है, 8 है। यहाँ पे 1 जो यहाँ पे अपना 1 रेशियो है उसकी वैल्यू अपनी 8 है, तो अब वर्तमान अपने को निकालना है और किसके निकालना है, तो मुकेश की वर्तमान आएगी, तो जो 1 के रेशियो 8 है तो 2 रेशियो कितना हो जाएगा, यानी 2 रेशियो कितना हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा यानी 16 वर्ष। तो ये वर्तमान जो वर्तमान मुकेश की एज है 16 ईयर्स है और पिताजी की 8 से 8 रेशियो है, 1 रेशियो बराबर 8 है और 8 का रेशियो कितना हो गया, तो इसके ये इसका 64 हो जाएगा। तो क्वेश्चंस में अपने को मुकेश की पूछा गया है, तो मुकेश की इस प्रकार से अपन प्रेजेंट एज निकाल सकते हैं रेशियो को इक्वलाइजेशन करके, रेशियो को बराबर करके उनको, तो इस प्रकार से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हो। ये शानदार कंसेप्ट है, ना एक्स का कोई वैल्यू झंझट रहता है, ना किसी से अदर कोई मल्टीप्लाई का रहता है, ये सिंपल मेथड है और इससे क्वेश्चंस एग्जाम में सॉल्व किए जाते हैं फास्टली, जिसकी एक्यूरेसी और कैलकुलेशन फास्ट होगी, तो इस क्वेश्चंस को मात्र 10 सेकंड में इसको सॉल्व कर सकता है। और देन अपन इस टाइप के अलग अलग टाइप के अपन क्वेश्चंस इस वीडियो में अपन सीख रहे हैं, तो सेकंड क्वेश्चंस इस वीडियो में लेते हैं अपन, ये अपना सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया, राम की वर्तमान उम्र उसके पुत्र की वर्तमान उम्र की चौगुनी है, 5 वर्ष बाद में राम की उम्र उसके पुत्र की उस समय की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी, तो उसकी वर्तमान उम्र क्या होगी, उनकी वर्तमान उम्र क्या होगी, तो इसमें राम की उम्र पूछी है और उनकी पुत्र की उम्र की पूछी गई है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को अपन किस तरीके से अपन सॉल्व करेंगे, तो राम, तो इधर राम लिखना है आपको और इधर लिखना है इसका पुत्र लिखना है, और क्या बोला गया है, वर्तमान उम्र की चौगुनी है, यहाँ पे वर्तमान उम्र की क्या है, चौगुनी है, तो ये एक है ये चौगुनी है, इस प्रकार से आप करोगे, 5 वर्ष पश्चात राम की उम्र उनके पुत्र की उस समय की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी, तो ये इसकी पुत्र की समय की 3 गुनी हो जाएगी, इस प्रकार से ये बोला गया है। तो आपको मैं डिफरेंट वे में वो अलग अलग तरीके से आपको क्वेश्चंस में बता रहा हूँ, 5 वर्ष के बाद में बोला है उसने, तो यहाँ पे लिखना 5 वर्ष बाद में, ठीक है, यहाँ पे आपने लिखा, ये आपको रेशियो दे रखा है,
तो इस रेशियो को कैसे इक्वलाइजेशन करते हो, तो देखना इस रेशियो को आपको इक्वलाइजेशन करना होता है। इनका देखो डिफरेंस जीरो, इनका वन डिफरेंस है, इसका देखना डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, ये थ्री है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, टू है। तो आपको इसको प्रकार मल्टीप्लाई करोगे, इसको इस प्रकार मल्टीप्लाई करोगे, ये टू है तो इधर दोनों रेशियो को मल्टीप्लाई करना है, ये थ्री है तो इन दोनों रेशियो को मल्टीप्लाई आपस में करना है। तो क्या करोगे, इस टू को आप मल्टीप्लाई करना, तो एट और यहाँ पे हो जाएगा टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई करना है, थ्री थ्री हो जाएगा, और इधर करोगे नाइन, ये इसका हो जाएगा इस प्रकार से। अभी हमें देखना डिफरेंस कितना है, ये डिफरेंस या वन है, तो वन रेशियो बराबर क्या है वैल्यू इसकी, फाइव है, क्योंकि इसने पांच वर्ष बाद में बोला है, इसने क्या बोला, पांच वर्ष बाद में बोला है, तो एक रेशियो की वैल्यू फाइव है। और इसने किस प्रकार की एज पूछी गई है, उनकी वर्तमान उम्र पूछी है, क्या पूछा है, उनकी वर्तमान एज पूछी गई है। तो वर्तमान एज का मतलब ये रेशियो है, दोनों का वर्तमान एज का रेशियो ये है, तो आप इस रेशियो जो एक रेशियो की वैल्यू है जिसको आप इस रेशियो से मल्टीप्लाई कर देना, तो राम की उम्र हो जाएगी 40 वर्ष, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40 वर्ष तो हो जाएगी राम की उम्र, और जो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 वर्ष हो जाएगी उसके पुत्र की आयु। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। मात्र इस प्रकार के क्वेश्चन को आप, आपको अगर कंसेप्ट और मेथड आते हैं तो 10-15 सेकंड में क्वेश्चन आपको सोल्व कर सकते हो, इस ट्रिक से आप कर सकते हो। उनके रेशियो जो दे रखे हैं उनके रेशियो को आप इक्वलाइजेशन यानी इक्वल करोगे कि उनका डिफरेंस, डिफरेंस उनका समान होना चाहिए, उनके जो रेशियो का डिफरेंस है वो समान होना चाहिए। आप भी याद रख लेना इस कंसेप्ट को, उनके जो रेशियो होते हैं उनके डिफरेंस को इक्वल होना चाहिए, और रेशियो जिस डिफरेंस में होगा, जैसे वन है, टू है, थ्री है, मतलब जिस रेशियो की वैल्यू जितनी आएगी वो प्रेजेंट ईयर, अगर 5 साल बाद में पूछा जाता है तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। अगर x मान के और समीकरण बना के, इक्वेशन बना के इस क्वेश्चन को करते हैं तो टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है और गलती होने की संभावना भी हो सकती थी। इस प्रकार के जो कंसेप्ट से आप गलती नहीं कर पाओगे। तो ये अपना सेकंड क्वेश्चन था, मैंने इस क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन किया है। देन थर्ड क्वेश्चन अपना कौन सा है, थर्ड क्वेश्चन ये एक व्यक्ति वाला क्वेश्चन है। पहले आप क्या करना, वीडियो को पॉज करना, देन उसके बाद में आप क्वेश्चन को सोल्यूशन करना, और फिर बाद में आपका सॉल्यूशन चेक करना कि आपका क्वेश्चन जो आपने किया है वो सही किया है गलत किया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप किस प्रकार से करोगे, देखना। एक व्यक्ति की वर्तमान आयु, तीसरा क्वेश्चन है अपना, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुना अधिक है। तो यहाँ पे मान लीजिए व्यक्ति है, वो कोई व्यक्ति है यहाँ पे, और ये कोई पुत्र है उसका, ठीक है। एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुना है, ये एक है, ये 5, इसके अंदर 5 गुना है, यहाँ 5 गुना अधिक है, उसके पुत्र की आयु से 5 गुना अधिक है, 5 गुना अधिक है या 5 गुना है। यदि 7 वर्ष बाद में दोनों की आयु का योग 68 है, दोनों की आयु का योग कितना है, 5 गुना है, यहाँ पे क्या है, 5 गुना है, 5 गुना है। यदि 7 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 68 होता है तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी, पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। तो बेसिक है ये 7 ईयर बाद में पूछा गया, यानी 7 वर्ष बाद में पूछा गया, ये क्या है, 7 वर्ष बाद में बोला गया, और 7 वर्ष बाद में क्या बोला, उनकी आयु का योग 68 है तो पुत्र की आयु ज्ञात करना 7 वर्ष बाद में। तो ये मान लीजिए ये 5, ये व्यक्ति इनका 5, इसका पुत्र से 5 गुना है, इसका जो पुत्र है ना, पुत्र से 5 गुना व्यक्ति है और 7 वर्ष बाद में पूछा है, पूछा गया, तो ये 7 वर्ष बाद में ये भी 7 वर्ष बढ़ेगा, मतलब 7 पर 7 इसकी एज बढ़ेगी और इसकी भी 7+ होगी एज। तो इनको अपन क्या करते हैं, डायरेक्टली एक बार वर्तमान निकालने के लिए अपन डायरेक्टली क्या करते हैं, 7 इसका 7 इसका, तो 14 साल है, 14 वर्ष है, वो डायरेक्टली अपन टोटल में से घटा देंगे, क्या करेंगे, टोटल में से आप 14 वर्ष घटा देंगे, तो टोटल इनकी एज कितनी है, 68 है, तो 68 में से अपन 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 68 में से अपन 14 घटाएंगे तो 10, इस प्रकार तो यहाँ पे 58 और फिर 4 घटाएंगे तो 54 बचेगा, इस प्रकार से आप घटा सकते हो, 68 में से 14 घटाओगे तो 54 बचेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को इस तरीके से किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप सोल्व करना है कि पुत्र की वर्तमान आयु पूछी गई है, इसमें पुत्र की वर्तमान आयु पूछी गई है, तो ये देखना यहाँ पे क्या है, यानी उनकी जो वर्तमान आयु का योग कितना है, यहाँ पे 54 है, और इन दोनों का जो रेशियो का योग कितना है, 6 है। देखो पुत्र का तो 1 है और व्यक्ति का 5 है, और टोटल आयु वर्तमान इनकी 54 है, और आयु का जो रेशियो है ये मतलब 5 और 1 है, तो मतलब 6 है, तो
तो ये मतलब ये क्या हो गया, x हो गया और ये हो गया 5x, तो ये दोनों का योग दे रखा है, तो ये 5x प्लस x बराबर आपको 54 दे रखा है, 5x प्लस x बराबर 54 दे रखा है, तो ये 6x हो गया, और 6x बोले तो 54, और x x है अपना ये है, तो x का मान निकालोगे तो क्या करोगे, 54 में 6 का भाग दोगे तो 9 आ जाएगा, यहाँ पे 9। तो वर्तमान एज पूछा है, तो वर्तमान अपने को वर्तमान एज से मतलब है, तो वर्तमान आयु क्या है इसकी, वर्तमान आयु क्या है, इसको मल्टीप्लाई करोगे पुत्र की आयु से, तो x का मान 9 है, तो पुत्र की तो आयु हो जाएगी 9 वर्ष हो जाएगी, अगर पिता की पूछता तो कितनी हो जाती है, 45 हो जाएगी, पिता की अगर पूछता तो 45 एज होती वर्तमान एज है, ये कौन सी एज है, वर्तमान एज है, यानी वर्तमान आयु है इनकी। अब ये पूछता है कि 7 वर्ष बाद में व्यक्ति कितनी हो जाएगी, तो ये 7 वर्ष बाद में पूछता, तो इसमें 7 अपन ऐड कर देते तो ये 52 की हो जाती, और इसमें 7 की ऐड कर देते अपने ये 16 का हो जाता। तो इस प्रकार से आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो आपको बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक तरीका है, आप लोगों को मैंने बताया है, और इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं आपको मैंने इस वीडियो में 3 क्वेश्चंस बताए हैं, तो आप इस प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, किसी भी कंपटीशन में जो आते हैं तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होता है। तो आपको किसी भी एज को इस ये कंसेप्ट है आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इस प्रकार के जो कंसेप्ट है और इस प्रकार के जो क्वेश्चंस है, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आपको मैं अलग अलग वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।